नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फार्माक्यूटिक्स 1, जो कि यूनिट 1 का सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है। उसमें यूनिट नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन के बारे में, कि कैसे प्रिपेयर करते हैं हम सस्पेंशन को। सस्पेंशन को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड यूज़ किया जाता है डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के लिए और दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स के लिए। तो देखते हैं सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, जो पहला मेथड होता है। कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो इजीली वेट हो जाते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है इसे। इस रीज़न की वजह से वो रेडली मिक्स हो जाते हैं जल्दी से वाटर के साथ, और जब शेक करते हैं तो वो ईजिली रीडिस्पर्स भी हो जाते हैं। उसे ही हम बोलते हैं डिस्पर्जेबल सॉलिड्स और डिफ्यूजेबल सॉलिड्स, जिसके लिए ये मेथड बना है। एग्जांपल होता है उनका कैल्शियम कार्बोनेट, केओलिन और मैग्नीशियम कार्बोनेट। सम इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर लाइट एंड इजीली वेटेबल, ऑन दैट रीजन दे रेडली मिक्स विथ वाटर एंड ऑन शेकिंग डिफ्यूज थ्रू द लिक्विड फॉर लॉन्ग इनफ टू इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच डोज। सच सब्सटेंसेज आर नोन एज डिफ्यूजेबल और डिस्पर्जेबल सॉलिड्स। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, की किस तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं डिफ्यूजेबल सॉलिड्स को। सबसे पहले हमें पाउडर लेना है, फाइन पाउडर लेना है। फिर उस पाउडर को हम एक मोटर में डालेंगे। एक मोटर पैसल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम उसे ट्रैचुरेट करते हैं। टेक इनसॉल्युबल पाउडर इन अ मोटर। फिर इसके बाद हम उस मोटर में कुछ अमाउंट वेकल की डालेंगे, मतलब कि सॉल्वेंट की डालेंगे। फिर उसे कम्प्लीटली ट्रैचुरेट करेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। एड एनी नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन्ग्रेडियंट इन पार्ट ऑफ द व्हीकल एंड मिक्स वेल। अगर हमारे पास कोई भी नॉन वोलेटाइल इन्ग्रेडियंट है तो उसे भी ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। एड एनी वोलेटाइल इन्ग्रेडियंट प्रीवियसली डिजॉल्व इन सम ऑफ द व्हीकल एंड मिक्स वेल। फिर अगर हमारे पास कोई वोलेटाइल सॉलिड इन्ग्रेडियंट है तो उसे भी ऐड कर देंगे और उसे मिक्स करेंगे। एड एनी लिक्विड इन्ग्रेडियंट, फिर हमारे पास कोई भी लिक्विड इन्ग्रेडियंट है उसे भी ऐड करेंगे। मिक्स मेक अप द वॉल्यूम विथ व्हीकल एंड शेक थोरोली। फिर हम उसमें जो भी हमें जितनी अमाउंट चाहिए, जितने ml प्रिपेयर करना है, उतना ml उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे व्हीकल की हेल्प से, सॉल्वेंट की हेल्प से, और उसे शेक करेंगे थोरोली। ऐसे हमारा प्रिपेयर हो जाएगा जो सस्पेंशन है। नेक्स्ट है उसका स्टोरेज। स्टोर कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है। सबसे पहले एक थिक कंटेनर लेना है जिसका वाइड माउथ हो, और स्टोर करना है कूल प्लेस पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजेबल सॉलिड, जो सेकंड मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन का, जिसमें हम इनडिफ्यूजेबल सॉलिड्स प्रिपेयर करते हैं। अब देखते हैं कि इनडिफ्यूजेबल सॉलिड्स होते क्या हैं। ये वो सॉलिड्स होते हैं जिन्हें हम शेक करते हैं तो जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते पूरी तरीके से व्हीकल में। तो इसी जो इनकी लिमिटेशन होती है, इसे ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं थिकनिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट, जो विस्कोसिटी व्हीकल की बढ़ा देते हैं और वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं सॉलिड पार्टिकल्स व्हीकल में। सो दैट द करेक्टिंग दिस प्रॉब्लम इज टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल बाय एडिंग थिकनिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट। एग्जांपल होता है इसका एस्पिरिन, चॉक, ज़ेडेनो, जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स के लिए। सबसे पहले हमें पाउडर लेना है और उसे मोटर में ऐड कर देना है। फिर हम उसमें
कोई भी डिफ्यूजेबल और सॉल्यूबल सॉलिड्स ऐड कर देंगे, और ट्रेगाकंथ पाउडर या फिर म्यूसिलेज, इन दोनों में से कोई एक उसमें ऐड करेंगे और उसे थोरोली मिक्स करेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे। इफ़ ओनली इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मिक्स इट विथ ट्रेगाकंथ पाउडर इन अ मोटर। अगर हमें इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस ही बनाना है, अगर हमने खाली इनडिफ्यूजिबल सब्सटेंस ही ऐड किया है मोटर में, हमने डिफ्यूजिबल सॉलिड्स ऐड नहीं किए हैं, तो हम ट्रेगाकंथ पाउडर मिक्स करके मोटर में ऐड करके और उसे ट्रैचुरेट करेंगे, और उसमें फिर वैकल ऐड कर देंगे, एक स्मूथ उसे पॉइस्चर देने के लिए, एक स्मूथ क्रीम फॉर्म करने के लिए, और वैकल से ही उसका फाइनल वॉल्यूम मेकअप कर देंगे हम। नेक्स्ट है स्टोरेज, स्टोर कैसे करना है इसे। थिक कंटेनर लेना है वाइड माउथ का, और लो टेम्परेचर पे स्टोर करना है, अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।